आप सब, मैं आपकी इंग्लिश टीचर मोनिका अंग्रेज आज एक नए चैप्टर के साथ। तो आपने पिछली बार आपने स्टोरी सुनी थी मेरे से, है ना? तो अभी क्या है, इस बार हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, जैसे कि नाम बोल रहा है, प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब अभी अभी। और टेंसेस क्या होते हैं, जो हमें बताते हैं कि कब क्या हुआ, है ना, अभी हुआ, कल हुआ या होएगा, है ना, तो ये सब बताते हैं, उन्हें हम टेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस वो होता है जो अभी हो रहा है, जो अभी हम कुछ कर रहे हैं। जैसे आई एम ईटिंग फूड, आई एम गोइंग टू स्लीप, ओके, आई एम राइटिंग इन माई नोटबुक। ठीक है, ये सब क्या होता है, ये प्रेजेंट टेंस। जैसे कि मैं अभी खेल रहा हूँ बॉल से, ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ओके, सी सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। द सिंपल प्रेजेंट टेंस टेल्स अस अबाउट एक्शंस डन रेगुलरली एज अ हैबिट। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें क्या बताते हैं, वो एक्शंस बताता है जो रेगुलरली हम एज अ हैबिट रोज करते हैं। जैसे हम वर्ड्स यूज करते हैं यूजुअली, जनरली, एवरीडे, ऑलवेज, है ना, तो ये सब क्या वर्ड्स हैं, ये हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ। एग्जांपल इन्होंने दिया, जैसे हाय, आई एम मनी, आई एम इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई यूजुअली गेट अप एट 6 o'clock। आई लर्न म्यूजिक क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। I practice music every morning. मैं practice करता हूँ music every morning. I have a very good friend. तो अब यहाँ पर क्या है? Have क्या है? Simple present tense है. He loves tennis. यहाँ पर क्या simple present tense है? Loves. All verbs in red in the above passage are in the simple present tense. ये सब verbs हैं और ये किस form में है? ये simple present tense की form में है. They tell us that Mani and Sunil do as a routine. इसमें क्या बताते हैं कि जो Mani और Sunil है वो रूटीन में क्या काम करते हैं, ये हमें वो बताते हैं। The simple present tense is also used to talk about things that are always true. अब जो simple present tense है, ये हमें ये भी बताता है कि कोई भी चीज जो सच है वो भी simple present tense होती है। जैसे मैं कहती हूँ the earth is round, यहाँ पर क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर है इज, क्योंकि वो सच्चाई है कि अर्थ क्या है, वो राउंड है। ठीक है, तो वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि सूरज कहाँ से निकलता है, सूरज हमारा ईस्ट से निकलता है, तो ईस्ट से निकलता है तो वो सच्चाई है कि मनी से निकलता है, और वेस्ट में सेट होता है वो भी सच्चाई है, तो ये क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, so we know that the verb must always agree with the subject of the sentence. Given below is a table showing how the verb changes from according to the subject in the simple present tense. अब एक आपका होता है subject. Subject. और एक आपका होता है verb. Okay. अब ये कहता है आई वी यू दे, ये क्या है हमारे, आई वी यू दे, ये क्या है हमारे, ये है सब्जेक्ट्स। ओके, स्टडी क्या है, इट इज अ वर्ब रूट, स्टडी ये क्या है, ये वर्ब रूट है हमारा। He, she, it, Niranjan, ये सब क्या है, अगेन दीज आर सब्जेक्ट, he, she, it, Roma, ये सब क्या है हमारे, अगेन सब्जेक्ट है। और स्टडी का क्या बोले, स्टडीज क्या है, अगेन वर्ब रूट हमारा। ओके, we do not use the root form of the verb be alone. Instead we use is, am or are. Nidhi is a good girl. तो यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर be की जगह instead of that we use is, am, are, right? So let's move to the first exercise.
एक्सरसाइज ए एक्सरसाइज सेज फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. ठीक है, इसमें हमने वर्ब्स भरने हैं जो ब्रैकेट्स में दिए हैं. ठीक है, उनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में करके हमें भरना है. सो फर्स्ट सेंटेंस इज मिसेस झा इज अ टीचर शी डैश इन पुणे पब्लिक स्कूल. यहाँ ब्रैकेट्स में क्या दिया हमें, टीच. तो यहाँ पर टीच का क्या बन जाएगा, टीच का बन जाएगा टीचेस. मिसेस झा इज अ टीचर, वो एक टीचर है मिसेस झा. शी टीचेस इन पुणे पब्लिक स्कूल, वो क्या करती है, पढ़ाती है. तो फर्स्ट का आप आंसर लिखिए, फर्स्ट का आएगा हमारा टीचेस, टीचेस. ठीक है, दे आर टैक्सी ड्राइवर्स, दे ड्राइव टैक्सीज ऑल ओवर द टाउन. ब्रैकेट्स में क्या लिखा है, ड्राइव. ठीक है, एंड व्हेन देयर इज दे वी विल नॉट पुट एस. जब भी वहां पर कहीं भी देयर ये दे लिखा होता है वहां पर कभी भी वर्ड के आगे एस नहीं लगता. ठीक है, तो हम इसका क्या आंसर आएगा, दे आर टैक्सी ड्राइवर्स, वो टैक्सी ड्राइवर्स हैं. दे ड्राइव टैक्सीज ऑल ओवर द टाउन. यहाँ पर दे ड्राइव्स नहीं आएगा, कभी भी दे के साथ एस नहीं लगता. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे सिर्फ ड्राइव, ड्राइव. ठीक है, थर्ड इज एडम इज अ बेकर, ही डैश बर्थडे केक्स विद ग्रेट स्किल. एडम जो है वो बेकर है. बेकर पता है कौन होता है, बेकर होते हैं जो केक्स बनाते हैं, है ना. तो एडम क्या है, वो एक बेकर है और ही बेक्स बर्थडे केक्स विद ग्रेट स्किल्स. अब यहां पर बेक का क्या हो जाएगा, बेक्स, ही बेक्स. We dash basketball every day. यहाँ क्या आएगा, we के साथ, we के साथ आएगा play. Plays नहीं होगा, we play basketball every day. हम basketball रोज खेलते हैं. We play. Fifth, this is my cat. It dash milk every morning. Brackets में क्या लिखा है, drink. और कह रहा है ये मेरी cat है, ये दूध पीती है हर सुबह, है ना. तो इट ड्रिंक्स मिल्क, ड्रिंक का क्या हो जाएगा, ड्रिंक्स, वो पीती है ड्रिंक्स, इट ड्रिंक्स मिल्क. ओके, सो दीज आर द ब्लैंक्स इन विच यू हैव फिल्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज द सन डैश इन द वेस्ट. द सन सेट इन द वेस्ट नहीं, ये क्या हो जाएगा, इट विल बी The sun sets in the west. Okay? So six you will write sets. Up the seventh question says dogs dash to gnaw on bones. तो अब यहां पर जो dogs है वो क्या है, वो plural है. ठीक है, so जब plural होता है तो उसमें भी वर्ब के आगे एस नहीं लगता. ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइक है, डॉग्स, डॉग्स बोल रहे हैं ना, डॉग्स, डॉग्स लाइक टू गॉ ऑन बोन्स. ठीक है, तो यहां पर आएगा सेवेंथ में लाइक, लाइक. ओके, नाउ द एट इज सनी डैश हिज ब्रदर इन द गार्डन एवरी इवनिंग. सनी अपने ब्रदर की क्या करता है, ब्रैकेट्स में क्या है, हेल्प. तो हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्स, सनी हेल्प्स. सनी अपने ब्रदर की गार्डन में हेल्प करता है ना. तो उसका क्या हो जाएगा, सनी हेल्प्स हिज ब्रदर इन द गार्डन एवरी इवनिंग. ठीक है, सो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है. तो आप अपने कैट्स की हेल्प से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए. कुछ समझ नहीं आता तो आप प्लीज उनसे दोबारा पूछिए, है ना. और अगर फिर भी नहीं आता एक बार दोबारा मेरा वीडियो देखिएगा, है ना. चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं. सो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज आर एक्सरसाइज बी. लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज.
Exercise B. Exercise B says, look at the pictures and rearrange the given words to make meaningful sentences. अब एक्सरसाइज बी में आपको इन्होंने सेंटेंसेस दिए हैं और उनके सामने वर्ड्स दिए हैं और उनके सामने पिक्चर्स दिए हैं. उन पिक्चर्स को देख के इन वर्ड्स की हेल्प से आपको क्या बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं. ठीक है, तो जैसे इन्होंने फर्स्ट एग्जांपल दिया है फर्स्ट क्वेश्चन का, इसमें वर्ड्स क्या दिए, यूजुअली, अनवर, कुक्स, मॉर्निंग, इन द, हिज लंच, है ना. और यहाँ पर आपने फोटो में देख रहे हो एक बच्चा है वो कुकिंग कर रहा है, इजंट इट. तो अब हम इन वर्ड्स को लेके एक सेंटेंस फॉर्म करेंगे पिक्चर देख के. अनवर यूजुअली कुक्स हिज लंच इन द मॉर्निंग. ठीक है, अनवर यूजुअली कब अपना मॉर्निंग में लंच कुक करता है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर टू पे. वन तो उन्होंने करके दिया हुआ है पहले से, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर टू. वर्ड्स है यहाँ देखो, एक गर्ल है वो शायद म्यूजिक सुन रही है ना. और वर्ड्स क्या दिए, अनुषा, म्यूजिक, एवरीडे, टू, लिसंस. अब आप यहाँ क्या करेंगे, कैट्स आप बच्चों को बारी बारी पूछिए कि दे ट्राई टू मेक दिस सेंटेंसेस. क्यों, इफ दे विल स्टैंड अप एंड ट्राई टू मेक दिस जंबल्ड वर्ड एज अ सेंटेंस एंड फॉर्म अ सेंटेंस, इट विल बी वेरी गुड फॉर देम. तो आप लोग बारी बारी खड़े होके अपने कैट्स को एक एक सेंटेंस बना के दिखाइए. ठीक है, कोशिश कीजिए, जहां गलत होगा आपके कैट्स आपकी हेल्प करेंगे, है ना. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. अनुषा, अनुषा इज दिस ग्रीन ड्रेस गर्ल, है ना. अनुषा लिसंस टू म्यूजिक एवरी डे. यहां पर हमारा क्या सेंटेंस बनेगा, हमारा सेंटेंस बनेगा अनुषा लिसंस टू म्यूजिक एवरी डे. बताओ किस किस ने बना लिया ये सेंटेंस फटाफट, मेरे लिखने से भी पहले पहले, है ना. फटाफट अपने असिस्टेंट टीचर्स को बताइए. ओके, चलिए नेक्स्ट इज थर्ड वन. वी इन द वॉच टीवी इवनिंग ऑलवेज. इसमें देखा दो बच्चे बैठे हैं टीवी देख रहे हैं, है ना. तो अब इसका क्या सेंटेंस बनेगा, थिंक थिंक फर्स्ट. वी ऑलवेज वॉच टीवी इन द इवनिंग. We always watch TV TV in the evening. Okay, we always watch TV in the evening. Fourth one is Jenny every reads newspaper morning the. अब यहाँ पर क्या पिक्चर है कि एक गर्ल है वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है ना. तो इसको हम वर्ड्स को जब ज्वाइन करेंगे, जंबल्ड वर्ड्स को सही करके लिखेंगे, तो सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा, Jenny reads the newspaper every morning. Okay, so fourth is Jenny always Jenny reads the newspaper paper newspaper every morning. मुझे कच्चे टमाटर खाने अच्छे लगते हैं. रॉ का क्या मतलब होता है, रॉ का मतलब होता है कच्चा. आई लाइक टू ईट रॉ टोमेटोज. ओके, नाउ द सिक्स्थ इज समर्थ
एवरी स्लीप्स अर्ली नाइट, एक बच्चा है वो सो रहा है और वो क्या कह रहा है, समर्थ स्लीप्स अर्ली एवरी नाइट, समर्थ रात को बहुत जल्दी सोता है, तो समर्थ समर्थ स्लीप्स स्लीप्स समर्थ स्लीप्स अर्ली एवरी नाइट, अर्ली एवरी नाइट। ओके, सो प्लीज कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद योर कैट्स, विद द हेल्प ऑफ योर कैट्स, है ना, और कहीं भी प्रॉब्लम हो ये सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए उनकी हेल्प लीजिए आप। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चले। ओके, सो इसमें तो बहुत सारी एक्सरसाइज है, आप आराम आराम से समझ के करिएगा, है ना, ताकि आपको समझ आए, जहां प्रॉब्लम फेस हो बार बार पूछो, समझो। चलिए अब हम एक्सरसाइज सी पे आते हैं। एक्सरसाइज सी, व्हाट इज दिस, एक्सरसाइज सी सेज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन बिलो, जो नीचे वर्ब्स दिए गए हैं उनको सही फॉर्म में हमें भरना है, ठीक है। तो फर्स्ट इज मिस्टर एंड मिसेस मित्रा डैश एट 6 o'clock ऑन वीकडे मॉर्निंग्स, ठीक है, कोई मिस्टर एंड मिसेस मित्रा है वो 6 o'clock मॉर्निंग में क्या करते हैं, दे, इनमें से देखिए ऊपर जो वर्ड्स दिए हैं उनमें से हम कौन सा वर्ड इस लगा सकते हैं, 6 o'clock सुबह आप क्या कर सकते हो, 6 o'clock तो सुबह उठेंगे हम, तो यहाँ क्या आएगा, मिस्टर एंड मिसेस मित्रा वेक अप एट 6 o'clock, वो उठे, वेक अप है ना, वेक अप एट 6 o'clock, तो फर्स्ट का लिखिए यहाँ पर वेक अप, वेक अप, वेक अप, ठीक है। नाउ नंबर टू इज मिसेस मित्रा डैश अ न्यूज़पेपर एंड मिस्टर मित्रा डैश योगा, कहते हैं मिस्टर मिसेस मित्रा सुबह सुबह डैश अ न्यूज़पेपर, तो वो न्यूज़पेपर को क्या करेंगी, ब्लॉक्स में से ढूंढो यहाँ से वर्ड, मिसेस मित्रा क्या करेंगी, रीड, न्यूज़पेपर को आप क्या करते हैं, रीड, ठीक है, और योगा कौन कर रहे हैं, मिस्टर मित्रा, तो ही डज योगा, है ना, तो फर्स्ट ब्लैंक में आप लिखिए रीड्स, और मित्रा सिंगुलर है तो रीड्स रीड्स हो जाएगा, अगर प्लूरल होता तो एस नहीं लगता, रीड्स, और सेकंड फिल्म में आएगा डज योगा, डज डज, ओके। नाउ द थर्ड इज दे हैव देयर ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, तो दे के साथ क्या लगेगा यहाँ पर, हैव, वो अपना ब्रेकफास्ट 8 बजे लेते हैं, हैव, दे हैव, ओके। नाउ द फोर्थ वन इज देन दे डैश टू वर्क, देन दे गो टू वर्क, वो काम पे चले जाते हैं उसके बाद, यहाँ क्या आएगा, गो। नाउ द फिफ्थ इज दे डैश बैक होम बाय 6 o'clock, दे कम बैक होम, वो क्या करते हैं, दे क्या है, अब दे क्या है, दे तो प्लूरल है और प्लूरल के आगे एस नहीं लगता, है ना, तो यहां हम क्या लिखेंगे, दे कम बैक होम, कम। नाउ द सिक्स्थ वन इज मिसेस मित्रा यूजली डैश इन द इवनिंग, मिसेस मित्रा शाम को क्या करती है, जॉगिंग करती है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, जॉग्स, जॉग्स, जॉग्स इन द इवनिंग, ओके। सेवन सेज मिस्टर मित्रा डैश टू वॉच टेनिस, मिस्टर मित्रा लाइक टू वॉच टेनिस, उन्हें टेनिस देखना बहुत अच्छा लगता है, तो वी विल राइट लाइक, ओके। सो अगेन नाउ द सी एक्सरसाइज इज फिनिश्ड, फिनिश इट फास्ट, क्योंकि बहुत इजी है, आपको फटाफट वर्ड्स चूज करने हैं, ठीक है, और इसमें सही वर्ड्स लिखने हैं। नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज डी, रीराइट द गिवन सेंटेंसेस करेक्टली, इनको ये सब सेंटेंसेस गलत लिखे हैं, इनको हमें सही करके लिखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आई डज नॉट प्ले क्रिकेट, आई जब होता है, कभी भी आई लिखा होता है तो उसके साथ जो आगे वर्ड है उसमें एस कभी नहीं लगता, ठीक है, तो आई डज नॉट कभी नहीं हो सकता, वो आई डू नॉट होगा वो, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे उसको,
I do not play cricket. ठीक है, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट. नाउ द नेक्स्ट इज दिस कार बिलोंग टू मी. दिस कार बिलोंग्स टू मी, क्या हो जाएगा यहां पर? दिस कार बिलोंग्स टू मी. ओके, टू मी, फाइन. दिस कार बिलोंग्स टू मी. नाउ नेक्स्ट इज थर्ड, रोहन एंड आकृति likes to eat noodles. Again, Rohan and Akriti हुआ तो ये क्या हुए? ये plural हुए ना? तो plural के आगे हमेशा s नहीं लगता. तो क्या हो जाएगा ये? Rohan and Akriti. Rohan and Akriti like. यहाँ likes नहीं होगा, यहाँ क्या लग जाएगा? Like to eat noodles. Eat noodles. ठीक है. Now fourth is Miss Das work in this office. तो Miss Das जो है वो singular है. तो ये क्या हो जाएगा? Miss Das works. यहाँ क्या हो जाएगा? Das works. यहाँ लग जाएगा हमारा works. Okay? S लग जाएगा. Works in this office. Okay. Now the fifth is Mr. Anand go for a walk every evening. ठीक है, Mr. Anand evening में walk पे जाते हैं. तो इसमें क्या आएगा? यहाँ पर go की जगह आएगा goes. ठीक है, so आप लिखेंगे Mr. Anand goes for a walk. Goes for a walk every evening. Okay. Now the sixth is the children goes to sleep by 9 o'clock. Children क्या है? Children plural है तो s नहीं लगेगा. तो हम क्या लिखेंगे? The children go to sleep. Okay. Go to sleep. By 9 o'clock. Fine. Okay. So this is your sixth question. चलिए next हम चलते हैं. This exercise you have to finish with your class teacher, cats. Okay. So next we'll move on to, पहले हमने पढ़ा था simple present tense, अब आ गया हमारा present continuous tense. अब ये present continuous tense क्या है? Present continuous tense tells us about actions that are going on at the time of speaking. जब हम बोल रहे होते हैं उस टाइम हम जो actions करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? Present continuous tense. Okay, so let's start. Present continuous tense. जैसे I am reading a book. So यहाँ पर am reading is present continuous tense. Amit is swimming. यहाँ क्या है? Is swimming. ठीक है? The words am, is and are helping words. What are these? हमने पढ़ा था verbs में. ये क्या होते हैं? ये helping words verbs होते हैं. When they combine with the ing form of the main verb to form the present continuous tense. जब इसमें ing लग जाता है, जैसे अभी आपने पढ़ा reading, swimming, ing लग जाता है, तो वो क्या हो जाता है? Present continuous tense. जैसे reading, है ना? ing लग गया, swimming. ठीक है, तो ये क्या होता है? ये हो जाता है हमारा present continuous tense. Okay. Am, is, are, ing form of the main verbs होते हैं ये. ठीक है, चलो let's move on exercise E. Fill in the blanks using the present continuous forms.
the children dash themselves on the swings in the park. अब ये childrens है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लगेगा the children are enjoying themselves. क्या हो जाएगा ये, are enjoying. Exercise E. First one is are enjoying. Children are enjoying. Okay? तो आप ये फिल करेंगे यहां पर. Second is Charu dash her hair. अब जो Charu है वो singular है, ठीक है. तो यहां पर क्या है, comb दिया हुआ है. comb का क्या बन जाएगा यहां पर, मैंने बताया था verb क्या क्या लगता है, verb क्या आगे लगता है, ing है ना, ing. तो क्या हो जाएगा, Charu is combing her hair. comb का क्या बन जाएगा, is combing. combing, combing her hair. ठीक है. we must rush now as it dash late. तो get है, get का क्या हो जाएगा, is getting late. यहां क्या आ जाएगा, is getting late. getting late. Now the fourth is the doctor dash the patients. The doctor is examining the patients. Is यहां भी देखो आप इन लगता जा रहा है, examining the patient. Fine. Now the fifth is all the students dash hard for the exams. All the students are working. Working, work का क्या बन जाएगा, working hard. Okay. Now the sixth is a cat dash behind the curtain. Hide का क्या आ जाएगा, hide का बन जाएगा is hiding. Okay. Now the seventh one. ये सब आप अपने सारे teachers की help से जरूर खत्म करिएगा, ये exercise बहुत interesting है. The naughty child dash on the wall is writing on the wall. Naughty child क्या कर रहा है, वो दीवार पे लिख रहा है, आप मत लिखना, bad habit है ना, is writing. ठीक है. So finish this exercise with your cats. और एक और छोटी सी exercise रह गई हमारी, exercise F. Let's finish that also. Rewrite the sentences changing the verb from the simple present tense to the present continuous tense. इन sentences को हमें simple present tense से present continuous tense बनाना है, ठीक है? So first question उन्होंने करके दिखाया है. Sonal feeds her pet parrot. Sonal अपने pet parrot को खिलाती है खाना. तो उन्होंने क्या किया? इसको बना दिया Sonal is feeding, ठीक है? Is feeding her pet parrot. तो second question हम करते हैं. आप अपने teacher को फटाफट बताइएगा करके. The teacher smiles at Rohan. तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे जब हम present continuous में बोलेंगे, the teacher is smiling at Rohan. ठीक है, smiling हो जाएगा, is smiling at Rohan. Mr. Menon chops vegetable. तो ये क्या हो जाएगा, Mr. Menon is chopping vegetables. क्या बन जाएगा chop का, chopping. Rahul helps Anu with her homework. तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा राहुल इज हेल्पिंग अनु. राहुल क्या कर रहा है, इज हेल्पिंग अनु विद हर होमवर्क. ठीक है. सो आप लोग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आराम से समझिए अपने कैट्स की हेल्प से, और इस एक्सरसाइजेस को कीजिए, और कोई डिफिकल्टी होती है तो वीडियो को बार बार देखिएगा, है ना, और इसकी प्रैक्टिस जितनी करेंगे आप उतने और बेटर होते जाएंगे. चलिए अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. ओके, बाय.